जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NDA 1 2022 के रिजल्ट को लेकर। अब आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम 10th अप्रैल को हुआ था एंड आई होप आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। इस वीडियो का मेन मुद्दा होने वाला है NDA 1 2022 का रिजल्ट, आपका रिजल्ट किस दिन आएगा, किस मंथ में आएगा और ये कम्प्लीटली ऑफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाने वाला हूँ UPSC के ऑफिशियल साइट से और वो स्क्रीनशॉट देखने के बाद आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे और आप खुद से ये भी डिसाइड कर लेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, किस मंथ में आ जाएगा। इसीलिए ये वीडियो में आप एंड तक बने रहें और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाने वाला हूं। तो अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो आप देख पा रहे होंगे मैं कुछ स्क्रीन शॉट लिया हूँ आपके सामने और ये UPSC के ऑफिशियल साइट से ही लिया गया है। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर आपको NDA 1 2021 आप यहां पे देख पा रहे होंगे और इस NDA 1 2022 के रिजल्ट को देखने के लिए हम प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले एनालिसिस में हम बात करेंगे NDA 1 2021 को लेकर। तो जो NDA 1 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था ये आपको 30 दिसंबर को देखने को मिल गया था, फिर जो इसका एग्ज़ाम हुआ था ये 18 अप्रैल को हुआ था और जब हम बात करते हैं इस ईयर NDA 1 2022 का एग्ज़ाम आपका 10 अप्रैल को हुआ था और जो इसका रिजल्ट आया था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिजल्ट ऑफ NDA 1 2021 जो आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इसका रिजल्ट आया था ये आपको 30 जून, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इसका रिजल्ट आया था 30 जून को आया था NDA 1 2021 का। और इसके बाद हम बात करेंगे NDA 1 2019। तो आप हमसे पूछेंगे कि NDA 1 2020 का रिजल्ट के बारे में हमने बात नहीं किया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोविड के कारण NDA 1 2020 का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था और वो पोस्टपोन्ड के साथ साथ NDA 1 और NDA 2 2020 दोनों एक साथ ही कंडक्ट हो गया था, इसीलिए उसका रिजल्ट NDA 2 के बाद आया था। इसीलिए हम अब बात करेंगे NDA 1 2019 के बारे में। तो जो इसका नोटिफिकेशन आया था ये 9 जनवरी को 9th जैन को आया था और जो इसका एग्जामिनेशन हुआ था ये 21st अप्रैल को हुआ था और जो इसका रिजल्ट आया था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 18 जून को आया था, मतलब 21 अप्रैल से लेकर 18 जून मतलब आपको अराउंड 55 डेज का टाइम लग गया था इसका रिजल्ट देने में NDA 1 2019 का और NDA 2 2020 था और NDA 1 2020 था, दोनों का एग्ज़ाम एक साथ हुआ था इसीलिए उसका रिजल्ट बाद में आया था और NDA 1 2021 का रिजल्ट अराउंड 60 डेज के बाद आया था। इसके बाद जब हम बात करते हैं NDA 1 2018 का, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे NDA एंड NA 1 रिजल्ट 2018 डिक्लर्ड ऑन 16th जून, इसका जो रिजल्ट आया था 16th जून को आया था, मतलब सारे रिजल्ट आपको जून के मंथ में देखने को मिल रहे हैं और जून के मंथ में कब, 15 जून के बाद ही आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये था आपका NDA 1 2018 का। इसके बाद जब हम बात करते हैं 2017 में, तो जो 2017 में जो इसका रिजल्ट आया था ये रिजल्ट आपको 19 जुलाई को आया था, 19 जुलाई को इसीलिए आया था क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा लेट कंडक्ट किया गया था इसीलिए इसका रिजल्ट थोड़ा लेट आया था। बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आप और हमने एनालाइज करके यही प्राप्त किया कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है ये 15th जून के बाद ही आ रहा है, इससे आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि जो इसका रिजल्ट आएगा NDA 1 2022 का, इसका रिजल्ट आपको 15 से 20 जून तक UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा और जैसे ही इसका रिजल्ट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट के बाद आपको आगे का क्या प्रोसेस करना है, आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी में किस तरह से रजिस्टर करना है, इसका भी मैं आपको डेमो वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ ज्वाइन इंडियन आर्मी को लेकर। साथ साथ मैं आपको SSB के कॉल ऑफ लेटर डाउनलोड करने वाला भी वीडियो बनाऊंगा, साथ साथ हाउ टू फिल SSB कॉल लेटर इसको बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाकर समझाने वाला हूँ, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको SSB तक आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। और इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर हम बात कर ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है
जो आपका 2018 जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था 338, 2018 का सेकेंड एग्ज़ाम 325, इसके अलावा 2019 का फर्स्ट एग्ज़ाम 342, फिर 2019 का सेकेंड एग्ज़ाम 346, और लेकिन जब आप देखेंगे NDA 1 2020 और NDA 2 2020 दोनों का कट ऑफ बढ़कर 355 हो गया था। मतलब कट ऑफ आप यहां पे देख पा रहे हो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 325 से 342 342 से 346 346 से आप यहां पे देख पा रहे होंगे 355, इसके अलावा 355 हो गया था। लेकिन NDA 1 2021 जो था इसमें कट ऑफ थोड़ा सा गिर गया था, लेकिन जो इस बार का कट ऑफ होने वाला है NDA 1 2022 का, इस बार का कट ऑफ बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई किए थे, इसीलिए जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे तो कट ऑफ भी बढ़ने वाला है। सो जो इस बार का कट ऑफ होने वाला है वो अराउंड 350 से लेकर 360 मार्क के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है, इफ़ यू आर स्कोरिंग एनी स्कोर बिटवीन 350 एंड 360, तब आपका रिजल्ट श्योर शॉट हो जाएगा, प्लस और माइनस 5 मार्क होगा। इनकेस जब कट ऑफ गिरता है तो वो ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, प्लस और माइनस 5 मार्क्स आप कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर 360 आ रहा है देन आई एम मेकिंग यू श्योर दैट 110% आपका रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रिजल्ट आने पे सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। तो ये था एक कंप्लीट जानकारी, और आपका रिजल्ट 15th of June मतलब अभी से लेकर अराउंड 55 डेज के बाद ही आने वाला है। 2 month का मिनिमम टाइम लगेगा आपका UPSC का रिजल्ट डिक्लेयर होने में। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू। जय हिंद।